पीरियड लेट हो गया है और प्रेगनेंसी रिपोर्ट भी नेगेटिव आ रहा है, तो वापस पीरियड शुरू होने में कितना समय लगता है? ज्यादातर पीरियड हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से लेट होता है, तो ऐसे में मैक्सिमम 2 महीने में वापस पीरियड शुरू हो जाता है, लेकिन किसी किसी को 1 महीने में ही शुरू हो जाता है और किसी किसी को 3 महीने भी लग जाते हैं। लेकिन अगर 3 महीने के बाद भी अगर आपका पीरियड शुरू नहीं होता है, तब आपको कोई इंटरनल प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप किसी गायनोलॉजिस्ट को दिखाइए, वो चेकअप करके आपको बताएगा कि आपका पीरियड क्यों नहीं आ रहा है। पीरियड शुरू होने के बाद या तो आपको ब्लड कम आएगा या फिर ज्यादा आएगा, या हो सकता है पीरियड आने के बाद फिर वापस 15 दिन बाद फिर से पीरियड आपका शुरू हो जाए। फिर से वापस इसे रेगुलर होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन धीरे धीरे करके पीरियड वापस रेगुलर हो जाता है।